यह घटना बांग्लादेश के छोटे से शहर सिलहट की है और यह घटना मेरे चाचा के साथ घटी थी जो कि उस समय लगभग 20 वर्ष के थे। मेरे चाचा और उनके चार अन्य चचेरे भाई मछली पकड़ने गए थे और जब वे अपने गांव वापस लौटने लगे तब तक अंधेरा हो चुका था। चूंकि बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में बहुत कम स्ट्रीट लाइट है और घर वापस पहुंचने में कई घंटे लग जाते, इसलिए उन्होंने एक शिविर लगाकर वहीं रुकने का और अगले दिन घर लौटने का फैसला किया। उन लोगों ने तय किया हम में से कोई दो सदस्य तीन तीन घंटे तक जागे रहेंगे और बारी बारी से मछली और अपने सामान के साथ साथ अपनी सुरक्षा पर भी नजर रखेंगे। चूंकि मेरे चाचा पहले तीन घंटे सो चुके थे, इसीलिए तीन घंटे के बाद वह और उनके अन्य चचेरे भाइयों में से एक जाग गए और जब अन्य लोग सो रहे थे तो उन्होंने पहरा देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस चचेरे भाई को उस समय मेरे चाचा के साथ निगरानी रखनी थी वह बहुत थका हुआ था और उसे नींद आ रही थी, इसलिए मेरे चाचा ने उससे कहा कि वह जाकर सो जाए और वह अकेले ही पहरा दे सकते हैं। जब मेरे चाचा पहरा दे रहे थे तभी उन्होंने कुछ आवाज सुनी जो कि पास की झाड़ियों और पेड़ों से आ रही थी। उन्हें लगा कि यह कोई जानवर है जो कि मछलियों को देखकर उन्हें खाने के लिए आ गया है। वह एक लाठी लेकर झाड़ियों के पास गए और उन्हें हिलाया। इसके बाद आवाज आना बंद हो गई, लेकिन जैसे ही वे मुड़े आवाज आना फिर से शुरू हो गई। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि यह क्या है और वह आवाज कहां से आ रही है। इसके बाद वो झाड़ियों से होकर आगे गए और तभी अचानक उन्हें एक बहुत ऊंचे पेड़ के साथ कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी और जब उन्होंने उस पेड़ के शिखर पर देखा तो वहां पर उन्हें एक महिला की आकृति दिखाई दी जो पेड़ के शीर्ष पर बैठी हुई थी। उसके काले लंबे बाल थे जो कि पेड़ के नीचे की जमीन को छू रहे थे। उसकी त्वचा बर्फ के जैसी सफेद थी और वह बहुत पतली थी। मेरे चाचा बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने तुरंत उस औरत के बालों को पकड़ लिया क्योंकि वह जानते थे कि वो औरत इंसान नहीं बल्कि एक डायन है। डायन का बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में बहुत खौफ था। मेरे चाचा अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्होंने जरा सी भी चूक की तो वो और उनके भाई सुबह घर नहीं पहुंच पाएंगे। एक डायन की सारी शक्ति उसके बालों में होती है और अगर कोई व्यक्ति उसके बालों को पकड़ ले तो डायन कमजोर हो जाती है और वह उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो डायन चिल्लाने लगी और वहां से भागने लगी, लेकिन मेरे चाचा ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और उसे वहां से जाने नहीं दिया। वह जानते थे कि अगर डायन कामयाब हो गई तो वो उनकी आखिरी रात होगी। इसके बाद डायन उनसे विनती करने लगी और उसने कहा कि अगर वह उसके बाल छोड़ दे तो वह उन्हें अमीर और शक्तिशाली बना देगी, लेकिन मेरे चाचा अपनी पूरी ताकत के साथ उसके बालों को पकड़े रहे। ये सब काफी देर तक चलता रहा और आखिर में डायन ने हार मान ली। मेरे चाचा जो बहुत थक गए थे सो गए, उनके हाथ अभी भी डायन के बालों में जकड़े हुए थे। जब वह सुबह जागे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी भाई उन्हें घेर कर खड़े हुए हैं। ये सब देखकर उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। फिर उन्होंने उन सब की ओर देखा और पूछा कि वे उन्हें घेर कर क्यों खड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनके हाथ की ओर इशारा किया। फिर मेरे चाचा ने नीचे देखा, उनके हाथ में एक मृत कौवा था जो उस डायन के बालों की तरह बिल्कुल काला था जिसे वह पूरी रात पकड़े हुए थे।